वृत्ति और भक्ति। आज का आलोच्य विषय है वृत्ति और भक्ति। आस्तित्विक जीव संरचना से जो मानस धारा उद्भूत होकर आस्तित्विक संपर्क युक्त परिवेश के मध्य से प्रवाहित होकर अपने मूल उसमें लौट आती है, उसे ही वृत्ति कहकर पुकारा जाता है। हर एक जीव सत्ता में, यहाँ तक कि उद्भिद पदार्थों में भी यही वृत्ति बसी है। वहां पर मन कहकर एक चीज है जो विकसित या अविकसित या प्रसुप्त जिस रूप में ही क्यों न हो, उसमें वृत्ति रहती ही है। पर इस वृत्ति का स्तर मनुष्य, पशु और उद्भिद में समान स्तर का नहीं होता। यहाँ तक कि उद्भिद में, पशुओं में तथा मनुष्यों में वृत्तिगत तारतम्य है। कोई कोई वृत्ति और संस्कार को एक करके देखना चाहते हैं, पर वृत्ति और संस्कार दोनों एक चीज नहीं है। संस्कार का अर्थ है अभुक्त कर्म फल, अर्थात जहां क्रिया निष्फल होती है किंतु उसकी प्रतिक्रिया का व्यक्तिकरण नहीं हुआ, उस क्रिया का व्यवहार संस्कार कहा जाता है। इस तरह देखा जाता है कि संस्कार और वृत्ति दोनों हो बहु एक सी चीज नहीं है। मैं बता रहा था कुछ कुछ जीवित प्राणियों में यह वृत्ति प्रसुप्त रूप में रहती है, वहां दैहिक अस्तित्व गत भाव के बाहर इसका कोई अभिप्रकाश या बही प्रकाश नहीं है। कुछ कुछ उद्भिज में जंतु की जीव संरचना के बाहर भी इसका अभिप्रकाश होता है, विकसित जीव मनुष्यों में तो यह होता ही है। किसी किसी जीव में यह जन्मगत रूप में रहता ही है, पर अन्य क्षेत्र में वृत्ति को चर्चा या अनुशीलन के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। क्रमागत ज्ञान चर्चा और सत्संग तथा साधना के द्वारा इसे बढ़ा दिया जाता है। इसी कारण मैंने पहले भी कहा है कि विद्या की चर्चा करना एक बहुत बड़ा आवश्यक कार्य है। उपयुक्त तौर पर ही ज्ञान की चर्चा प्रयोजनीय है। अविकसित जीवों के क्षेत्र में वृत्ति का अर्थ ही है सहजात वृत्ति। इन सब जीवों के मानस तरंग जैवी अस्तित्व बोध के बाहर कभी भी नहीं जा सकते। इन समस्त अविकसित जीवों में अधिकांश ही अस्तनपायी होते हैं। इन स्तर पर हम कुछ अवनत जीवों को पाते हैं, जैसे कई प्रकार के सांप और कुछ एक जातियों की मछलियां, पर पक्षियों को नहीं पाते, केवल सांप व मछलियों को ही पाते हैं। सांप व मछलियां अपने ही अंडों को खा जाती हैं, उनमें किसी प्रकार की दया माया भी नहीं होती। पर कुछ उन्नत प्रकार की मछलियां हैं जिनमें अपने संतान के प्रति माया ममता रहती है, और इसी तरह कुछ कोटि के सांप होते हैं जिनमें अपने संतान के प्रति ममता होती है। ये सांप होते हुए भी उन्नत प्रजाति के जीव होते हैं। कुछ कुछ मछलियों के शरीर में थैले की तरह एक वस्तु है, वे उसी थैले में अपने संतान को लेकर चलते हैं। कुछ सांप भी इसी तरह अपने संतानों को लेकर चलते हैं। इनमें केवल सहजात वृत्ति ही है। इसके अलावा और भी एक चीज है जिन्हें अपने संतान के प्रति माया ममता भी होती है। यही बात कुछ एक सांपों के क्षेत्र में भी प्रयोज्य है, पर अपने संतानों के प्रति इस तरह की माया ममता स्तनपायी जीवों में ही सबसे अधिक होती है। अन्य प्राणियों से स्तनपायी जीव अधिक उन्नत कोटि के होते हैं, क्योंकि स्तनपायी जीवों में माता उन्हें स्तनपान कराती हैं। संतान के प्रति ममता न रहने पर वह स्तनपान कराएगी ही क्यों? पर मनुष्य एक उन्नत जीव है, इस कारण अन्य प्राणियों से स्तनपायी उन्नत कोटि के जीव होते हैं। वृत्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, साधारण वृत्ति और सहजात वृत्ति। यहाँ तक कि उन्नत जीवों में सहजात वृत्तियां या अन्यान वृत्तियां भी रहती है, जो कि अध्ययन, सामाजिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक अनुशीलन, आध्यात्मिक साधना के द्वारा मजबूत होती है। इस कारण से यह बात याद रखना जरूरी है कि हर एक मनुष्य के लिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत आवश्यक है। अब यह प्रश्न उठता है कि उन्नत जीवों के साथ क्या होता है।
मन जीव संरचना के अस्तित्विक बोध के मध्य घूमता रहता है। कभी कभी वह देह बोध से ऊपर हो जाता है। इससे ही यह एहसास हो जाता है कि ये समस्त साधारण जीव सत्ता से उन्नतर जीव है। उन्होंने देहात्म बोध का अतिक्रमण किया है। वेदों में कहा गया है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञानात्मने ज्ञानमात्मने महति नियच्छेद तद्री यच्छेद शांतात्मने। जीव मन जब देह केंद्रिकता की सीमा रेखा के मध्य आबद्ध रहता है, तब उसे एक अति साधारण जीव कहूंगा, अवनत कोटि का जीव। पर जब वही मन विकसित हो जाता है, जब अपनी देह केंद्रिकता की सीमा रेखा का अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाता है, जब उसका विषय भूत मन इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जगत बन जाता है, तब उसकी मानवता का उत्तरण होता है। दूसरे चरण में मन विकसित अवस्था में शरीर की धर्म सामर्थ्य की उपलब्धि करता है व मान लेता है, तब यह माना जा सकता है कि मन की कुछ उन्नति हुई है। फिर इस विकास की परवर्ती चरण में जब कर्म क्षमता को मान लिया जाता है, यहाँ तक कि यह कर्म सामर्थ्य जहाँ से उत्सारित होता है उसे भी मानस विषय मान लिया जाता है, उस समय यह मान लिया जाता है कि जीव मन की और भी उन्नति हुई है। इस तरह से पशु जीवन धीरे धीरे उन्नत हो जाता है। एक मछली के जीवन से एक कुत्ते का जीवन और अधिक उन्नतर होता है। मनुष्य का जीवन अन्य जीवों से अनेक अनेक उन्नत होता है। यह अग्रगति किस तरह होती है, यह जानना जरूरी है। तुम सब यह याद रखना कि वृत्ति कुछ कुछ सहजात प्रकार की होती है। पहले ही कह चुका हूँ कि मनुष्य साधना के द्वारा, ज्ञान विद्या की चर्चा के द्वारा, आपसी मेल जोल के द्वारा अपनी वृत्तियों को बढ़ा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पर किसी वृत्ति का बाहर से दबाव डाला जाता है और कहा जाता है कि उन्हें मानकर चलना चाहिए, किसी प्रकार से उन्हें अवहेलित नहीं किया जा सकेगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते देखोगे कि सामने एक ऐसा आइडिया आ जाता है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वह आइडिया कहता है कि अमुक धर्म शास्त्र में यह बात कही गई है, समुद्र को पार करने से जाति भ्रष्ट होती है, तो कैसे जाया जाए। चाहे यह समझ में आता है कि यह सब कुछ मनुष्य के द्वारा ही बनाया हुआ प्रपंच है, सब ही मेरा है, फिर भी मैं समुद्र पार कैसे करूं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि हर जीव के प्रति ममता प्रकट करो, यह सच ही है। प्राण यथा मनोभिष्टा भूतानाम अपि ते तथा आत्मोपयेन भूतानां दया कुर्वन्ति साधवा। अपने लिए अपने प्राण जितने प्रिय हैं, दूसरे के लिए भी उनके प्राण उतने ही प्रिय हैं। यह बात सोचकर जो दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, उन्हें ही साधु कहकर पुकारा जाता है। साधु बनने के लिए भस्म लगाकर घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं। यदि इस बोध को मन में रखकर वह विचारेगा तो उसे पता चल जाएगा कि सचमुच ही तो मैं निरीह पशुओं की हत्या कर रहा हूँ केवल अपनी रचना की तृप्ति के लिए। और यहाँ आकर वह रुक जाता है। साग में भी वही है, मांस में भी वही है, तो मैं ऐसा क्यों करूं, तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं। हठात देखा कि शास्त्र कहते हैं इस तरह से तुम बलिदान करो, इस तरह ही पशु की मुक्ति होगी। शास्त्र में लिखा है तो क्या करूं, मानना तो पड़ेगा ही। और साथ में ही मन में सोचता है कि यह कार्य उचित नहीं है, फिर भी शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसमें साहस नहीं है। यह जो एक भावधारा है जो प्रगति में बाधा डाल रही है, मन की गति को रोकता है, इसे ही भाव जड़ता कहते हैं, इसे ही डॉगमा कहते हैं। चाहे वो गलत दर्शन से ही आए या शास्त्रों से ही आए, पर अवश्य ही त्यज्य है। युक्ति युक्त मुपादयं वचनं बालकादपि। यदि कोई युक्ति पूर्ण बात करता है तो उसे मानकर चलने में ही प्रगति होती है, वह आगे चलता है और कुछ भी उसे रोक नहीं सकता।
पर यह डॉगमा रास्ते में आकर उसे बढ़ने से रोक देता है। अर्थात शास्त्र गलत शिक्षा देता है, दर्शन गलत शिक्षा देता है। वे मानविक हृदय, जहाँ युक्तियां काम नहीं करती वहां मानवता के आधार पर विचार होते हैं। मेरे लिए मेरे प्राण जितने प्रिय हैं, एक पशु के लिए भी उनके प्राण उतने ही प्रिय होते हैं। मैं उनके प्रति दया क्यों न दिखाऊं? और यदि वह यह कहे कि इससे पशु अपने पशु जीवन से मुक्ति पाएगा, तो तुम भी तो मनुष्य हो और मनुष्य भी तो एक जीव है, तो तुम भी अपना गला काट कर मनुष्य जीवन से मुक्ति क्यों नहीं पाते? तुम भी तो बेटे बेटियों, आत्मीय स्वजनों को मानव जीवन से मुक्त करा सकते हो। यह मुक्त करने का आंदोलन, मुक्त करने के लिए खड़गा घात निरी बकरी के ऊपर ही क्यों हो? युक्ति तो यही कहती है। मैं आशा रखता हूँ कि तुम सब समझ गए हो कि डॉगमा क्या है। तुम सब समझ गए होगे कि डॉगमा क्या है। तुम इस भाव जड़ता से कभी मेल नहीं करोगे। एक ओर है भाव जड़ता, दूसरी ओर है मानव का विशाल हृदय, मानवता। इस कारण विभिन्न कर्म सामर्थ्य के उस सारण का आदि बिंदु यदि तुम्हारा लक्ष्य होगा, तब तुम उस निर्गुण सत्ता के साथ अवश्य मिलकर एक हो जाओगे। निर्गुण सत्ता के साथ अवश्य मिलकर एकाकार हो जाओगे और उस उत्तुंग अवस्था प्राप्त मनुष्य और परम पुरुष में पार्थक्य बहुत ही थोड़ा रह जाएगा। यदि इस स्थिति में मनुष्य अपने मानस विषय को त्याग देता है, तो जीव मन या अनुमन भूमा मन के पास पहुंच जाता है, जो भूमा मन वर्तमान में तुम्हारे ध्येय में परिणत होता है। उसे यदि भूमा चैतन्य या परम पुरुष के वेदी मूल में उत्सर्ग करोगे, तो तुम्हें निर्विकल्प समाधि का लाभ होगा, निर्गुणा स्थिति मिलेगी। कुछ समय पहले वृत्ति के बारे में बता रहा था कि यदि एक मानवीय गुण है, केवल मानवीय गुण ही नहीं, जिनके पास मन कहकर कुछ होता है, उन सभी जीवों के ये गुण है। इसीलिए कहूंगा कि सबको मानस शक्ति के उत्कर्ष के साधन के लिए चेष्टा करना उचित है। यदि यह अनुमन का हो या विराट मन का ही क्यों ना हो, कालक्रम में परम पुरुष में मिलकर एकात्म होना उचित है। इस तरह तुम देखते हो कि तुम सब जन्मगत सूत्र से जिन वृत्तियों को लेकर आए हो, उसे कर्म के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा उत्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते रहो। जब तुम्हारे पास सुवर्ण सुयोग है, तब इस वृत्ति का उत्तरण घटित करो। ज्योति का उत्तरण घटित कर उसको बढ़ाकर परम पुरुष में मिलकर एक हो जाओ। मनुष्य जीवन पाना उसी से सार्थक होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसी तरह से अपने क्षुद्र अणुसत्ता को या अनुबोध को, जो वृत्ति रूप में परिणत होती है, उस वृत्ति को बढ़ाते हुए परम पुरुष की ओर ले चलो। यह वृत्ति बढ़ती ही चलेगी, यह वृत्ति बढ़ती ही चले, यही वृत्ति बढ़ते बढ़ते जब परम पुरुष को एकमात्र विषय के रूप में ग्रहण कर लेगी, उसी स्थिति में वृत्ति को भक्ति कहकर प्रकाश किया जाता है। यह भक्ति ही मनुष्य की सार सत्ता है, यही मनुष्य की विशिष्टता है। कल्याणमस्तु। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, कलकत्ता, धर्म महाचक्र, 1 जनवरी 1986।